इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक जी, कुलाधिपति डॉक्टर एस एम झारवाल जी, प्रोफेसर पी वी कट्टीमणि जी, सांसद श्री ज्ञान सिंह जी, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज सुबह यहाँ आने से पहले नर्मदा मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उसके पश्चात आपके विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाग लेने का, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज के इस दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि अमरकंटक तीर्थ एवं नर्मदा नदी दोनों की निकटता है इस विश्वविद्यालय के सुंदर वातावरण को और भी रमणीय और पवित्र बनाते हैं। यहाँ के वातावरण में एक दिव्य अनुभूति है, यहाँ ज्ञान है, शांति है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आध्यात्मिकता दोनों का सामंजस्य यहाँ के जनजातीय विकास की कहानी प्रस्तुत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थल पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी व संत कबीर के बीच आध्यात्मिक चर्चाएं हुई थी, जो बाद में वाणी के रूप में गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा भी बनी। ऐसी ज्ञान स्थली पर आज का यह दीक्षांत समारोह अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। यह स्थल संपूर्ण मानव जगत के लिए ज्ञान, सच्चाई व मानवता का संदेश देता है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होना निश्चय ही बहुत उपयोगी है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक जनजातीय युवाओं को ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से शिक्षा जगत में उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोगी बनाना है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय परिसर को भारत की विशिष्ट जनजातीय विविधताओं और उनकी लोक कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और परंपराओं के संरक्षण संवर्धन का केंद्र बनाने में सहयोग दे। यहाँ से सामाजिक चेतना एवं राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर चलने वाली युवा पीढ़ी तैयार हो। किसी भी शिक्षण संस्थान की आधारशिला उसके शिक्षक और छात्र होते हैं। भारत उस महान परंपरा का साक्षी है जहाँ चाणक्य जैसे शिक्षक ने चंद्रगुप्त जैसे एक शिष्य के माध्यम से भारत के इतिहास का एक महान अध्याय लिखा। आज फिर से हमारी संस्कृति विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु गुरु और शिष्य के बीच उसी सामंजस्य को आगे बढ़ाना है। किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह सिर्फ उस विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि एक शिक्षित, अनुशासित और संकल्पित युवाओं का समाज और राष्ट्र निर्माण में समर्पित होने का अवसर प्रदान करता है। दीक्षांत समारोह शिक्षा का समापन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भरे जीवन का आरंभ है।
आप सभी अपनी प्रतिभा से सफलता की ऐसी छाप छोड़ें जिससे पूरे राष्ट्र के सामने इस विश्वविद्यालय को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आज आपको शिक्षा संपन्न करने के बाद उपाधि प्राप्त हुई है, अब आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करेंगे। कोई भी लक्ष्य अपने आप में न छोटा होता है न बड़ा, वह केवल लक्ष्य होता है। आप जो भी लक्ष्य तय करें उसे पाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं आगे भी करेंगे, उसमें एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। हम सब लोगों ने नाम सुना होगा प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था। उसके जीवन से संबंधित मैं एक प्रसंग आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। हम सब लोग जानते हैं कि वो एक यूरोपियन कंट्री का निवासी, और जब वहाँ पर जो सर्दी पड़ती है वो गजब की सर्दी होती है, लोग अंदर स्वेटर पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर ओवरकोट पहनते हैं। एक बार यही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने देश में ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, उसने टिकट अपना रखा होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जब वो टिकट चेकर उनसे टिकट मांगने के लिए आता है, तो यही प्रसिद्ध वैज्ञानिक वो अपनी उनके पास उनके कोट और ओवरकोट में जितनी भी जेबें थी सभी को टटोल लिया, लोगों को टिकट नहीं दिखा। और इस बीच में कुछ समय लगा तो उनका जो एक पड़ोसी पैसेंजर था, उस पैसेंजर ने उस ट्रेन जो ट्रेन का चेकर था उसको बुलाया। उसने कहा, श्रीमान जी, आप जानते नहीं ही अपने देश का प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन है। और इसके पश्चात वो टिकट चेकर उनके पास जाता है, आइंस्टीन के पास, और कहता है कि सर, काइंडली फॉरगिव मी, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, आप मुझे माफ करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं मानता हूं कि आप इतने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, आप रेलवे नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, अब मुझे आपके टिकट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात यहीं समाप्त नहीं होती, विषय है एकाग्रता का। उस वैज्ञानिक ने कहा कि मेरे भाई, मुझे इसकी बहुत चिंता नहीं है कि मेरा टिकट खो गया, टिकट खो गया तो आप दूसरा टिकट हमें दे देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि वो टिकट में ही लिखा हुआ था, इसलिए मेरी परेशानी वो है। ये एक मैंने आपके साथ एकाग्रता का उस महान वैज्ञानिक की, क्योंकि वो समय थी वो महान वैज्ञानिक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसका, वो कितना उसको और ऊपर ले जाना चाहता था अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक ही जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और इसी एकाग्रता के साथ जो आप लक्ष्य तय करने वाले हैं वो इसी एकाग्रता के साथ यदि आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको लक्ष्य पाने में ज्यादा कठिनाई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप जहां भी पहुंचे उसमें किसी न किसी रूप में समाज ने अपना योगदान दिया है, आपके परिवार वालों ने दिया है, अभिभावकों ने दिया है, पड़ोसियों ने दिया है, रिश्तेदारों ने दिया है, आपके छोटे से गांव वाले लोगों ने दिया है, आपके पूरे समाज ने दिया है। और इस प्रकार आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या आगे आपको मिलने वाला है, उस सबके पीछे जो ये सबका समर्थन और योगदान मिलेगा, उसके पीछे उन सबका योगदान है। इस योगदान को हम दूसरे रूप में ऋण कहते हैं। ये ऋण है, समाज का ऋण आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर भी है, देश का ऋण है, समाज का ऋण है। और इस ऋण की हम कैसे भरपाई करें, कैसे हम वापस करें,
अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। ये हमारा हमेशा लक्ष्य बना रहना चाहिए। ये मैं आप सब लोगों से आज इस प्रकार की अपेक्षा करूंगा। इतिहास के प्रवाह में वही विचारधारा बच पाती है जो पूरी मानवता के हित में होती है। आपको मानवता के हित में काम करना है, आप आने वाले समाज के निर्माता हैं। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, दो तीन मैं बातों का उल्लेख करूंगा। आज जिन हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 13 की संख्या थी, 2 अनुपस्थित हैं, लेकिन 11 को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके पीछे जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि इन 11 में से हमारी बच्चियाँ 8 हैं और हमारे बच्चे 3 हैं। ये एक आगे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे विकासशील से विकसित भारत की, उसमें हमारे ये नारी शक्ति कहें या हमारी जो बच्चियां हैं उनका योगदान कितना है, वो शायद बच्चों से भी योगदान अधिक बढ़ रहा है। ये एक आईना दिखाता है कि आगे आने वालों में जिसकी हम कल्पना करते हैं कि भारत एक श्रेष्ठ न केवल इकोनॉमिक पावर बने, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बने, बल्कि पूरे विश्व का सम्राट सिरमौर बने, उसकी ये एक झलक है। और मुझे इसी समय एक बात और भी याद आ रही है, जब मैं बिहार में राज्यपाल था वहाँ पर भी मैंने देखा बच्चियाँ हमेशा गोल्ड मेडल पाने में, अर्थात इस ज्ञान अर्जन की जो यात्रा है उस यात्रा में वो सबसे आगे बढ़ रही है। और इसलिए मैं बच्चियों को अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे चांसलर साहब झारवाल साहब ने एक आप सब लोगों को आदेश दिया, आदेश क्या, एक कमांडेंट है, और इस प्रकार का कि इसको हम कभी कभी कुछ विश्वविद्यालय इसको शपथ के रूप में भी कराते हैं हमारे जो बच्चे हैं। लेकिन आप सब ने देखा होगा कि ये जो कमांडेंट है, आदेश है, इसमें बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सब का समुचित निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना आसान नहीं है, कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन इसलिए मैं पहले भी ये कहा करता था जिस दीक्षांत समारोह में जाता था कि ये बातें यद्यपि साधारण हैं, लेकिन यदि आज जिन बच्चों को उपाधि प्राप्त हो रही है, आप सब लोग यही जिन की आपने शपथ ली है, जो चांसलर महोदय से आपने एक आपको कमांडेंट आदेश दिया है, उसको यदि आप कहीं बड़े बड़े अक्षरों में ये फ्रेम करवा करके और अपने आप जहां पर आपका घर है, परिवार है, वहां अपने हर प्रतिदिन यदि आप उसको देख सकें, तो मुझे लगता है कि जीवन में ये आपके लिए सही मायने में एक आपका पाथेय बनेगा। प्यारे बच्चों, एकेडमिक कैलेंडर, ये एकेडमिक कैलेंडर जब हम तैयार करते हैं एक वर्ष का, तो उसी के साथ में हमारा कन्वोकेशन भी आता है। एकेडमिक कैलेंडर इंक्लूड्स होल्डिंग अप कन्वोकेशन ऑन टाइम एज वेल। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन मैं आगे के लिए भविष्य में प्रयास करिए कि हमारा प्रत्येक वर्ष जैसे ही हमारे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद 3 महीने 4 महीने पश्चात हमारा कन्वोकेशन समय पर होता रहे, क्योंकि यही आपके विश्वविद्यालय की एक अलग से पहचान होगी। यहाँ पर प्रोफेसर कट्टीमणि साहब ने बहुत कुछ, जनजातीय क्षेत्र है, बाहुल्यता वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों की प्रचुर उपलब्धता की बात उन्होंने कही, बात सच है। लेकिन ये प्रकृति से जो हमें वरदान मिला है, इसका जो ज्ञान है, आप सभी जनजातीय भाइयों और बहनों को जो ये जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल नॉलेज, हेरिडिटरी नॉलेज,
आप सबको मिला हुआ है कि इस जड़ी बूटी का, इस औषधि वनस्पति का क्या उपयोग है सही मायने में, और उस उपयोग का जो आपको नॉलेज है, ये नॉलेज का कहीं ना कहीं विस्तार हो, सरकार उसमें मदद करे इसका विस्तार के लिए, यदि इसी प्रकार का किसी प्रकार इसी के विस्तार के लिए यदि कोई यहाँ पर सरकारी केंद्र बनाने की जरूरत होगी, मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, केंद्र में भी इस प्रकार की चर्चाएं हो सकती हैं। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मैं अपने राष्ट्रपति भवन में, न केवल मैंने वो शुरुआत की है बल्कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन में हर्बल गार्डन्स, वहाँ पर देश की विभिन्न औषधि वनस्पतियाँ हैं, उनको हम वहाँ पर उनका ट्री प्लांटेशन वो हम करवाते हैं, और इसीलिए करवाते हैं, और जो विजिटर्स आते हैं उनको भी हम कहते हैं कि देखिए राष्ट्रपति भवन में इस प्रकार की औषधियाँ हैं, उपलब्ध हैं, इनके पेड़ लगे हुए, पौधे लगे हुए हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि जो जनजातीय बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पर आप जाइए, और इनका जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, आयुष के अनुसार जो इसका लाभ है, औषधियों का लाभ, और इस देश को स्वास्थ्य की दिशा में ले जाने का जो एक मार्ग प्रशस्त करता है, उसका हम भरपूर उपयोग करें। मुझे लगता है कि इन औषधियों के व्यापक प्रचार प्रसार, उनके कारण हमारे जो जनजाति भाई बहन हैं उनका जीविकोपार्जन का भी एक अतिरिक्त माध्यम बन सकता है। अंत में मैं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम करके आज गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मैं आप सभी से यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप सदैव अपने जीवन काल में अपने सीखने की जिज्ञासा बनाए रखेंगे और समाज के उत्थान एवं देश की प्रगति में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।